स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे बेवकास सिंह। और भाई अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट इस बंदे के। भाई इसके पास आप टीम देख सकते हो कैसा लुकारियो है और इसके साथ साथ म्यूटू भी है और एक सलगैलियो वाई है। मैंने ये टीम देखा हुआ है, पता नहीं याद नहीं आ रहा किसके पास देखा है, पर ये सेम टू सेम टीम मैंने कहीं देखा है और लेवल 98 है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ट्राई करते हैं इसे ख़त्म करने की। मैंने नाम स्टार्टिंग में नोटिस नहीं किया था, यहाँ पर दिखना पड़ेगा ऊपर कोई ना। हम लोग यहाँ पर सोचते हैं जल्दी से भेज देते हैं सलगैली, क्योंकि मे भी जीमूब आ सकता है और सलगैली में भी झेल नहीं पाएगा। सॉरी गाइस, गिंगा झेल नहीं पाएगा, सलगैली झेल लेगा क्योंकि स्टील टाइप खुद है, ऊपर से अनवर एबिलिटी है, तो अटैक बूस्ट स्पेशल अटैक बूस्ट इसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। सामने है ग्राउडॉन, तो हमने फ्लेम चार्ज लगाया, ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, फ्लेम चार्ज की जो पावर होती है बहुत कम होता है। पर मेरे पास टॉपर है फिलहाल के लिए, मेरे पास इनकेस ग्राउडॉन एक्स टॉपर है जो है स्वॉम्पर, जो बहुत ज़्यादा सही बैठता है। मेरे को कुछ नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने और दो फीचर स्लैश काफ़ी होना चाहिए या फिर एक काउंटर। अगर मेरे पर अटैक आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो कोई ना, क्योंकि ऐसे भी वाटर टाइप और ग्राउंड टाइप के अगेंस्ट फायर टाइप मूव बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं देते। हालांकि ऊपर डेजोलेट लैंड जो है रन कर रहा है, पर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमने लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं एक लगाता हूँ फिशर स्लैश ताकि अधमरा हो जाए, एक पे अधमरा हो जाना चाहिए, ज़्यादा डैमेज नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बचा है और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक क्या काम करता हूँ गाइस, मेरे को पता है यहाँ पर जीमूब आएगा और डबल जीमूब मैंने चेक कर लिया था शुरुआत में, तो एक तो सोमपट झेल लेगा, दूसरा मैं सल गैली से झिलवा लूँगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़ा रखते हैं। ये पड़ा, ठीक है, ज़्यादा डैमेज पड़ा है पर रिकवर भी हो चुके हैं। अभी भी 10K HP हमारे हाथ में है, तो मैं जल्दी से भेज देता हूँ सल गैली को ताकि दूसरा जीमूब झेल ले। और एक बार म्यूटू डबल जीमूब ख़त्म, तो म्यूटू बस एक रेंडम सा पोकेमोन होता है जैसे अभी है। तो मेरा काम यहाँ पर बन चुका है, मेरे को बस फ्लेम चार्ज लगाना है, उसके बाद मेरे को एक बार रेस्ट लगा लेना है। हमने रेस्ट शुरुआत में लगा लिया, क्या पता फ्लिंच हो जाते, तो इसीलिए हम पे पड़ा एक आर2 मूव, ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, हमने लगाया फ्लेम चार्ज। थोड़ी सी HP बची है, तो मैं जब भी चाहूँ स्लेथरॉक्स बिछा के इसे ख़त्म कर सकता हूँ। और यहाँ पर पोकेमोन चेंज कर दिया गया, मैंने एक और बार फ्लेम चार्ज लगाया ताकि स्पीड थोड़ा और बूस्ट हो जाए। और सामने है एक चारिज़ार्ड एलॉय वाला, तो इसका स्पेशल अटैक भी ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक नहीं बहुत ही बढ़िया होता है। ऊपर से स्पेशल मतलब एलॉय के टाइप पोकेमोन जो होते हैं वो थोड़े सुपीरियर माने जाते हैं, पता नहीं क्यों माने जाते हैं, मेरे हिसाब से ये थोड़े ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं रेस्ट लगाना पसंद करूँगा, क्योंकि पता नहीं कब जीमूब आ जाए, और मैंने रेस्ट लगा भी दिया है। पड़ा पे जीमूब और ये हमने रिकवर कर लिया। स्टील टाइप मूव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते स्वॉम्पर पे, तो सोच के ट्राई करना चाहिए था, वही विश ट्राई करना चाहिए था जो पड़ चुका है। पर उस वक्त अगर ट्राई किया जाता तो फिर भी मेरे पास बैरी थी जो स्लीप यूज़ करने की वजह से हमारे पास चली गई। ठीक है, अब हम पर फायर स्पिन पड़ चुका है, हमने जीमूब लगा दिया, अटैक हमारा बूस्ट हो पड़ा है, तो दो फिशर स्लैश काफ़ी होने चाहिए फिलहाल के लिए ख़त्म करने के लिए। तो हम यहाँ पर लगाते हैं फिशर स्लैश और रूस्ट इस्तेमाल किया गया, तो इससे काइंड ऑफ और एक बार लगाता हूँ, थोड़े से बच जाएगा, पर फिर भी शायद रूस्ट ही आएगा। और दोनों ट्रैप में है, वो भी भाग नहीं सकता, मैं भी भाग नहीं सकता और डेड है। अब की बार पड़ा तो चार हज़ार डेड है, पर मेरे को पता है पोकेमोन चेंज किया जाएगा, तो मैं रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि मेरे सलगैलियो के HP बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। ऊपर से बर्न और ट्रैप बहुत ज़्यादा हमें डैमेज दे रहे हैं, तो मेरे को ये रिकवर कर लेना है। हो गया, सामने है लुकारी, तो मैं नहीं चेंज करूँगा क्योंकि एक ही हिट काफ़ी होगा लुकारी को ख़त्म करने के लिए। मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है मेरे सोमफड़ के पास, तो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। सामने आ चुका है ग्राउडॉन, तो भाई ग्राउडॉन एक्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा बेहतर होता है हार्ड फूड यूज़र्स के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही बड़ी चीज़ से बचाता है, वो होता है वाटर है मूव से, क्योंकि आगे बाद डेजोलेट लैंड एबिलिटी होता है। तो इसके अगेंस्ट भी मेरे को डरने की बात है नहीं, मेरे को बस इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, उसके बाद ख़त्म। इतना मैंने अभी तक नोटिस किया कि अननेसेसरी स्विचिंग की जा रही है बहुत ज़्यादा। सलगैलियों पर एक और फीचर स्लैश में लगाता हूँ, एक बार मेरे पास बचा है तो ये लगा देते हैं। पर शायद ये स्विचिंग इसलिए की जा रही है ताकि मूव्स ख़त्म कर दिया जाए, मतलब जो BP है फीचर स्लैश की वो ख़त्म हो जाए। और गया म्यूटू जो ऐसे भी डेड था, इसको मारने के लिए मेरे को शायद ऑटो मूव की जरूरत पड़ती भी ना, पर कोई ना, मैं जल्दी से गेंगार भेजता हूँ। सलगैलियो इन केस आएगा, मेरे को ऐसा लग गया है और भाप चुका हूँ मैं कि सलगैलियो ही आएगा, और हमने भेजा अपने गेंगार को। ठीक है, ये देखो सामने है सलगैलियो, तो हमने यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, हमें नॉक ऑफ लगाना है, उसके बाद विलो वेस ताकि जो इसके पास लेफ्ट ओवर्स है ये ख़त्म हो जाए। एक बार लेफ्ट ओवर्स ख़त्म हो गया तो मेरे लिए थोड़ी सी राहत की सांस होगी। और ये रॉक टूम पे पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार टॉन्ट लगा देता हूँ ताकि ये एस्केप ना कर पाए, ये मेरे से ज़्यादा तेज़ हो गया। कोई ना, हमने टॉन्ट लगा देना है, पर विलोविस हो रहा है बहुत मिस, तो टॉन्ट लगाता हूँ उसके बाद विलोविस लगाएंगे, क्या पता रोर आ जाए और मेरे को पोकेमोन बदलना पड़ जाए। हमने विलोविस लगाया, HP अभी पोकेमोन की बहुत बची है, तो पोकेमोन चेंज कर देते जल्दी से, ग्राउडर ले आते हैं क्योंकि मैच ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, मेरे को जल्दी जल्दी क्लोज करते हैं। ऊपर से ये बहुत सही है, मतलब दोनों ओपोनेंट्स में से कोई भी फोर्ट्रेस यूज़ नहीं कर रहा है, इस बात की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पे।
और हम दोनों में से कोई भी है डार्क राय यूज़ नहीं कर रहा, इस बात की भी अच्छी बात है। और काइंड ऑफ किसी के पास ज़्यादा खतरनाक स्टेलर पोकेमोन नहीं है। सोच रहे हो मेरा सल्गैले अटैक के लिए बना है, उसका सल्गैले साथ मेटल बर्स्ट के लिए बना है, और दोनों के पास रेस्ट है तो दोनों इक्वल है इस जगह पे, तो सेम टू सेम। बाकी सारी चीज़ें अलग आप देख सकते हो सबके पास, उसके पास भी डबल जूम मूव है, हमारे पास भी टरानटोर है, पर टरानटोर और मोबाइल मैंने अभी तक इस्तेमाल किया नहीं है, मेरे को लगता नहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। रॉक पॉलिश हो चुका है, मैं अर्थक्वेक लगाता हूँ। और यहाँ से एक चीज़ आप लोग नोटिस करना जो बहुत ज़्यादा अहम होती है, और जब भी आप किसी से बैटल करो तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने एक अर्थक्वेक मारा, ये अननेसेसरी स्विचिंग थी जो मेरे ख्याल से आपको अपने लॉय चार्जार्ड को जाने देना चाहिए था, क्योंकि वो वैसे भी डेड था और शायद मैं किसी भी पोकेमोन के अगेंस्ट आगे वो कुछ नहीं कर पाता। जो एंड में अभी आपका गया वो आपको पहले जाने देना चाहिए था, एटलीस्ट सल्गैली को थोड़ा कम डैमेज पड़ने देना चाहिए था, क्योंकि सल्गैली थोड़ा बाद में लेके आओगे ना तो इनकेस अगर उठ जाता है तो वो रोर लगा कि ये जो बूस्ट हमने हासिल किया ये चला जाएगा। तो अभी ग्राउडन है तो मेरे हिसाब से जीमूव लगा देना चाहिए, और एक टर्न आप फिर भी बचोगे तो उस जीमूव लगाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था। पर अभी भी ये अननेसेसरी स्विचिंग की वजह से ये सल्गैली भी डेड होगा। मेरे को यहाँ पर एक और अर्थक्वेक लगाना है, क्योंकि नहीं लैंड ऑफ ऑरिजिन लगाता हूँ ताकि ख़त्म हो जाए, या फिर क्या किया जाता है, देखो एक और बार स्विच कर दिया गया पोकेमॉन और सामने है मोबाइल, ये भी हद से चढ़ गया, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। रॉक पॉलिश, स्वॉर्ड डांस, अर्थक्वेक, ये क्विक किलर्स जो होते हैं जो जल्दी जल्दी बैटल ख़त्म करते हैं, जो हमारे जैसे क्विक किल बैटल लवर्स होते हैं वो मैक्सिमम यूज ऐसे ही करते हैं। और एक अर्थक्वेक हमने मारा और थोड़े से एचपी से बचा, ये पहले कर देना चाहिए था इन केस आपका मोबाइल एक हिट मार पाता, क्योंकि नॉकआउट पड़ने के बाद अटैक थोड़ा घट जाता है, हालांकि अटैक प्लस टू था हमारा फिर भी थोड़ा घट जाता है, मेरे को पक्का भरोसा है। और तब आपको अपना जो सल्गैली यूज़ करना चाहिए था तब वो थोड़ा टिक पाता, पर ये अननेसेसरी स्विचिंग का नतीजा है कि ओपोनेंट जो है ख़त्म हो गया। पर मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था और ग्राउडन को जाने देना चाहिए था, और चार्जार्ड को भी शुरुआत में जाने देना चाहिए था, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था, जितना हो सकता था उसने किया है। अगर सल्गैली बचता नॉक ऑफ के बाद, ग्राउडन के नॉक ऑफ के बाद, तो सल्गैली आराम से रोर लगा के बच पाता। अब मैं ये ओपोनेंट क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसे तो ये भाई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स नहीं होते, पर ये ज़िद्दी बहुत होते यार। मेरे को ये लेवल 90 से लेके, मतलब 90 बोल रहा हूँ गाइस, 87 ठीक है 85 से लेके 95 तक, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं ये लोग अपोनेंट जो होते हैं। ये कभी कभार आते हैं उसके बाद बैटल तो नहीं करेंगे, पर इनके अगर ये लोग आपसे बैटल करते हैं बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं ये सब प्लेयर्स। आप इस प्लेयर को देखो, ये मेरे को एक बार मिला हाल ही में जो मिला था, तो अब उसने एस्केप कर देता, पर उससे पहले वाले में अब यहाँ पर देखो ये हमसे लड़ने आया, इससे पहले भी एक बार मेरे से लड़ा था, मैं वो भी बैटल दिखाऊंगा, पर फिलहाल मैं इसके ऊपर नॉक ऑफ लगाता हूँ पालकिया के ऊपर, ये हमने लगा दिया। और वैसे तो कभी भी गेंगार अगेंस्ट पालकिया खड़ा रखना नहीं चाहिए, पर हम भाई बूदे वाले लोग हैं, हम लोग ये भी कर लेते हैं, हर कुछ हम करते हैं, और हमें खतरों से खेलने का शौक होता है काफ़ी। ये हमने लगाया वुलोवेस और ये मिस, पर जी मूव नहीं मार पाया, मतलब अटैक प्लस वन था एक पालकिया, अडेप्टिबिलिटी वाला भी नहीं मार पाया गेंगार को, और वो भी 6 स्टार गेंगार, हमारा 7 स्टार है ही नहीं। फिर भी हमने ग्राउडन को भेजा है। अब आप पूछोगे भाई क्यों, तो डेजोलेट लैंड रन कर रहा है तो वाटर इम्पैक्ट यहाँ पर काम करेगा नहीं, और आउटरेज मेरे को घंटा ज़्यादा डैमेज देगा नहीं, तो मेरे को बस रॉक पॉलिश करना है, स्वॉर्ड डांस करना है। अगर उसका आउटरेज भी होगा तो मेरे को इतना भरोसा है कि आउटरेज ज़्यादा भी नहीं मार पाएगा, मेरे को कम से कम 2 या फिर 3 हिट लगने पड़ेंगे ग्राउडन को मारने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बल्क अप नहीं है, क्योंकि अगर बल्क अप रोके तो थोड़ा स्लो अटैक बूस्ट हो लेना पड़ेगा आपको, जो कॉस्ट कर सकता है आपको बैटल बहुत ज़्यादा, क्योंकि अटैक 6 बार करोगे तो आपको मिलेगा अटैक प्लस 6, और ऐसे स्वॉर्ड डांस में सिर्फ 3 बार ही काफ़ी होता है, और नॉर्मली 1 या फिर 2 बार करने की आपको चांसेस मिलते हैं, तो वहाँ पर बल्क अप के जगह पर आपको स्वॉर्ड डांस रखना चाहिए, ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, और ये मैच टर्निंग भी होता है। तो मैक्सिमम हमने यहाँ पर एक अर्थक्वेक डाला और ये आउटरीच पड़ा, देखो हमने लगा ही था आउटरीच पड़ेगा, तो हमें जी मूव लगाते, क्योंकि आउटरीच एक बार इस्तेमाल किया है तो 3-4 बार वो रिपीट होगा, और इससे अटैक गिर भी जाएगा, बर्न भी हो गया, नॉकआउट भी हो गया। अब ये अटैक गिर गया, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म, ओपोनेंट की लग गई वाट और ये गया, ये मारते हैं ख़त्म। देखा आपने कितना जल्दी पालकिया मर गया, पर बहुत ज़्यादा डैमेज दे गया, पर देना भी चाहिए ना, अटैक प्लस 6 पे था, पर इतना भी नहीं देगा, बल्क अप पे था, नहीं तो इतना भी नहीं देगा, तो लालत वैसे पालकिया पे। हमने लैंड ऑफ ऑरिजिन मारा है, डार्क रेड डेड, और मैं यहाँ पहाड़ी टाइम किया जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कि बंदा टाइम वेस्ट करता है कभी कभी। तो इस फिलहाल के लिए मैं इस जानता हूँ कि क्या हुआ, लैंड ऑफ ऑरिजिन मारता हूँ, इनके सल्गैली और सर्वाइव कर जाते तो रोर आएगा, या फिर मेटल बस, ये देखो आया मेटल बस, तो गया ग्राउडन पर, कोई ना ग्राउडन ने अपना काम कर दिया, डार्क रेड डेड। और मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट वही था, क्योंकि मेरे पास स्नोरलैक्स नहीं है भाई फिलहाल के लिए,
मैं विदाउट स्नोरलैक्स उतरा हूँ, और विदाउट स्नोरलैक्स किसी डाकरा यूज़र को हराना एक गॉड लेवल की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अब हमारे पास स्लीप टॉक भी नहीं था किसी भी पोकेमोन के पास, क्योंकि हम डाकरा यूज़र्स और फोर्ट्रेस यूज़र्स से नहीं लड़ते, ठीक है। ये टोटली हमारा आजकल का ये है कि हम नहीं लड़ते, पर फिर भी हमें मिल गया था। और भाई मैं बहुत दिनों बाद बुखार से उठा हुआ, मेरे को वर्ल्डिंग पॉइंट चाहिए क्योंकि 2.5 के ना है और बहुत कम दिन बचे हैं, तो मेरे को लड़ना ही पड़ रहा है। हार भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाकरा से हारे या किसी से भी हारे, पर एटलीस्ट मेरे को पॉइंट चाहिए, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। तो लड़ना हमारा हक है, तो हम लड़ रहे हैं। और मेरे को ये सामने याद दिख रहा है सलगैलियो, तो मैं इसे एक आयरन हेड में ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि प्लेयर आपका भरोसा नहीं, और मैं नहीं चाहता ये टिक जाए, और मैं चाहता हूँ ये घर जाए। तो ये गया सलगैलियो डेड, आखिरी वो किर मच्चा है, तो मैं यहाँ पर जानबूझकर अब कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बंदे का तंग कर रहा हूँ। ये ऐसे तो मेरा कोई मर्जी नहीं है कि मैं किसी को तंग करूँ, ऐसे मज़ा नहीं आता, पर क्योंकि भाई ने हमारा टाइम वेस्ट किया है तो थोड़ा मज़ा तो लेना बनता है। हमने यहाँ पर स्वॉर्ड डांस की, एक आयरन हेड लगाता हूँ मैं, और इसको करते अधमरा। अब मैं इसे ज़िंदा छोड़ दूंगा, फिर से मैं स्वॉर्ड डांस करूंगा। मैं इसे थोड़ा इसके बैरी जो है वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे तो मैं चाहता तो गेंगा लेके आके उलोविस लगा सकता था, पर इसमें ज़्यादा मज़ा है। उसे अब ऐसा दिलासा दो कि हम ठीक है, हम इसे ज़िंदा छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद मार दो आयरन हेड से, और हम यही कर रहे हैं, आयरन हेड डेड। तो ये बंदा गया, अब ये मेरे को फिर से मिला, ये इससे पहले वाले का था शायद, हाँ। तो इस बार फोर्ट्रेस है, पहले डाकरा फोर्ट्रेस। ये VIPs होते हैं भाई, इनके टीम में बहुत सारे पोकेमॉन्स होते हैं, और जो मन चाहा ये लोग लेके आ जाते हैं वर्ल्ड लीग में। ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं VIPs के पास, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सूट्स भी डिफरेंट टाइप होते हैं, हार्ड होता है, कभी डार्क हो जाता है, कभी बग हो जाता है, कभी पॉइजन हो जाता है, तो सूट्स की कमी इनको नहीं होती है। 3 सूट ये लोग फॉलो करते हैं। गया, अब ये फिर से आया, और इस बार आप देख सकते हो क्या होगा बैटल। तो इस बार मैं ज़्यादा मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि चलो मैं ये भी दिखाता हूँ, यहाँ पर इस बार लुकारियो है, तो मैं आपको चाहूँ तो एक बार जीमूव लगा सकता हूँ लुकारियो पर। हम लोग स्टीलिंग्स लेके उतरे, तो मैं फिशर से मारना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तंग करना चाहता हूँ बंदे को। तो हमने स्पेशली रखा है स्टीलिंग्स को फिशर के लिए, क्योंकि मतलब फिशर और ड्रैगन टेल के लिए, ड्रैगन टेल इसलिए रखा क्योंकि कई बार अटैक बूस्ट हो जाते हैं बहुत सारे ट्रेनर्स के, और उनको बाजू हटाना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको ख़त्म भी नहीं कर सकते आप एक एक हिट में। तो वैसे टर्न पे स्टीलिंग्स की एबिलिटी काम आती है विद ड्रैगन टेल, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने स्टीलिंग्स बनाया हुआ है, और मैं इसे मैक्स करने वाला हूँ। आपने शायद नोटिस किया होगा कि एवकन 1 हो चुका है, तो फिलहाल के लिए मैं स्वॉम्फर्ड R7 और स्टीलिंग्स R7 कर रहा हूँ। तो ये करने में मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक टाइम लगेगा, पर हम लोग फिर भी करेंगे, और मैं चाहता हूँ ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिलहाल के लिए मेरे सामने एक वीनोसॉर है, पर हम इस पर अटैक नहीं करते, हम लोग गेंगार को भेजते हैं ताकि इसे नॉक ऑफ और वोलोविस लगा पाएँ और थोड़ा बैटल खींच पाए। हम पे पड़ा है बुलडोज, और नॉर्मली गाइस बुलडोज एक अटैक ऐसा होता है, मतलब वो काइंड ऑफ अर्थक्वेक जैसा ही होता है, बस थोड़ा पावर कम होता है, और ये एक्स्ट्रा इफेक्ट देता है जो होता है स्पीड -1, सेम एज रॉक टूम, पर ये हर पोकेमॉन पे पड़ता है, सेम एज अर्थक्वेक। अगर आप 2P बैटल्स में ट्राई करो या फिर सेम बैटल में ट्राई करो, तो बस बुलडोज आपके पार्टनर पर नहीं गिरेगा, पर ओपोनेंट्स के सारे पोकेमॉन्स पर पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को बुलडोज की, और गार्चोम एक्स पर ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, वाई पर रिकमेंडेड नहीं होता, ना ही फ्लाइंग वाले पर एक्स वाले पर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, क्योंकि आपके पास अर्थक्वेक लेना है आपको या फिर बुलडोज, और जब तक अर्थक्वेक आपको नहीं मिलता आप बुलडोज यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। हम लोग, मैं खुद बुलडोज यूज़ किया करता था, आप मेरे पुराने 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 वीडियोज़ पर जाकर देख सकते हो, जहाँ पर गार्चोम पर स्वॉर्ड डांस, बुलडोज, ये प्रोटेक्ट और ड्रैगन क्लो ये यूज़ किया करता था, और बहुत ज़्यादा सही बैठता है, बहुत सही बैठता है। तो सामने है विनोसॉर जिसकी HP थोड़ी घटी है, और मैं नहीं चाहता इसे जल्दी मार दूँ, थोड़ा मज़ा लेना चाहता हूँ। एक आयरन हेड हमने मारा, लीच सीड, और ये डेड। अब हम पोकेमॉन चेंज करते हैं, लेके आते हैं ग्राउडाउन, क्योंकि हमेशा मेरा फर्स्ट अटैक सोचता हूँ यही कि ग्राउडाउन से जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, और ये आए ओपोनेंट। जब मैं ग्राउडाउन यूज़ करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ मेरी टीम में एक ऐसा पोकेमॉन है, इनकेस अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता है जल्दी से स्पीड अप भी हो जाएगा, अटैक भी बूस्ट कर लेगा और ख़त्म कर देगा ओपोनेंट को, और वो पोकेमॉन है मेरा ग्राउडाउन। एक बार इसको अगर मौका मिल गया तो ये ख़त्म कर देता है सबको, एक अर्थक्वेक, फोर्ट्रेस डेड है। नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा होगा? मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा पोकेमॉन नहीं बचे, क्योंकि सारे के सारे डेड हो ही चुके हैं, और जितना मेरे को याद है रॉक पॉलिश करने की ज़रूरत थी भी नहीं, और मैंने यहाँ पर स्टीलिंग्स को भेजा है ताकि थोड़े मज़े में इस चीज़ को ख़त्म कर दूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, पर थोड़ा सज़ा देना चाहूँगा जो दूँगा कैसे भी मैं स्टीलिंग से। मैं एक और फीचर लगाता हूँ, और ये पड़ा क्योंकि आप फोर्ट्रेस यूज़ कर रहे थे, तो आपको पनिशमेंट देना हमारा हक बनता है, और मैं दे रहा हूँ। और नॉर्मली देखो बिना फोर्ट्रेस, देखो बिना हम लोग बैटल कैसे करते हैं, हमारे आपको क्या लगता है हम लोग इतने लोग क्यों देखते हैं, मतलब हर दिन 1K व्यू कैसे पहुँच जाता है, लोग देखते हैं यार, मतलब जानते हैं गट्स हमारे, देख के उनको अच्छा लगता होगा,
कि बिना फोर्ट्रेस बिना डाकरा हम भिड़ जाते हैं उन लोगों से और बिना इनके हम जीत जाते हैं। तो ये चीज़ सबको अच्छी लगती है यार, मेरे को खुद अच्छी लगती है। मैं उनके यूट्यूब चैनल पर देखता रहता हूँ जो ए सर्वर में हो या फिर एस सर्वर में, जो बिना इन पोकेमॉन्स के जीतते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके बैटल्स, क्योंकि ये वही तो वो पोकेमॉन्स जो आप देखते हो डाकरा और फोर्ट्रेस जीतना ईजी होता है और वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, सबको पता है, पर वो देख चुके हैं यार कुछ ऐसा दिखा जो नहीं देखा हमने, और वो होता है अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल करना, जीएमओ वेस्ट करने के लिए सही वक्त पर सही पोकेमॉन भेजना, और यही तो देखना अच्छा लगता है कि मतलब एक पोकेमॉन चार्ज हो गया तो वो ख़त्म कर देगा, सिर्फ डार्क वर्ड और स्पाइक्स और फिर रोर, ये मज़ा नहीं आता, ये सिंपल ओल्ड हो चुका है, कुछ नया देखने को मिल जाए, मतलब चाहिए सबको, मेरे को भी कुछ नया देखना चाहिए, और इसीलिए मैं बड़े बड़े ट्रेनर्स को चैलेंज कर देता हूँ कि भाई आओ हमसे बैटल करो, मैं देखना चाहता हूँ कि उनके टीम्स कैसे वो यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं जिनको चैलेंज करता हूँ वो डाकरा यूज़ नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं, तो मैं उन्हीं को चैलेंज करता हूँ कि उनसे लड़ो, मज़ा आता है, दिल खोल के मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उनसे हार भी जाओ ना तो वो फील नहीं आती कि नहीं हार गए कोई ना, तुमसे हार भी जाओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 2 को रन 44 को देख लो, उसके पास डाकरा नहीं है ना ही फोर्ट्रेस है, फिर भी कितना अच्छा लगता है, हम भी वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हैं भाई, चलो हम ऐसे ही बने हुए नहीं हैं, हम लोग वैसे ही हैं हमने आज तक डाकरा वगैरह यूज़ नहीं किया, और क्योंकि बहुत लोग मूव फट होते हैं और लिटरली कहते हैं कि डाकरा को हरा नहीं सकते, हरानी से मैं नहीं हरा सकता, ये मैंने ये कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फैक्ट कह रहा हूँ, मैं नहीं हरा सकता डाकरा को, बस सामने पाल किया और मैं जितना देख रहा हूँ ये बल्कअप कर रहा है, तो मैं इस पर अटैक नहीं करता ना ही मैं काउंटर करता हूँ, मैं इसे मौका दे रहा हूँ कि अटैक प्लस 6 करे, उसके बाद हम देखेंगे भाई क्या अटैक प्लस 6 के बाद से रोक पाना इजी होगा या नहीं, तो हम इसे बल्कअप पे बल्कअप करने दे रहे हैं ताकि जितना भी करे करे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अटैक नहीं करूँगा, बस काउंटर का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि हाँ ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा उसका आता है कि अटैक करे, पर मेरे हिसाब से ये बंदा थोड़ा लालची है, ये अटैक प्लस 6 पे ही अटैक करेगा, हमने एक और फीचर स्लैश मारा और ये बल्कअप हो गया, अब मेरे ख्याल से ये मारेगा जीमू, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक और फीचर स्लैश लगाता हूँ ताकि इसे ख़त्म कर दिया जाए, और ये थोड़े से बच गया, और मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरा स्वाम्पवर्ड उसके पालकिया से तेज़ है, ये क्या देख लिया मैंने, कोई ना, अब मेरे को पता है कि एक जीमूव आ सकता है, तो हमने स्टीलिंग्स को भेजा क्योंकि ड्रैगन टाइप जीमूव झेल लेगा, पर वाटर इम्पैक्ट पड़ा तो ये ख़त्म हो जाएगा पक्का, और एक और बल्कअप डूड, अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं ड्रैगन टेल लगाता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं ड्रैगन टेल लगा के अगर मैंने इसे बाजू उठा दिया, सारे के सारे अटैक बूस्ट इसे नल्ले कर दिए, जीरो कर दिया, तो भाई बहुत मज़ा आएगा, ट्राई करके देखते हैं, पर वाटर इम्पैक्ट डेड है, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, इसीलिए हम लोग मोबाइल लेके आते हैं क्योंकि बहुत हो गया खेलना, अब करते इसे ख़त्म, क्योंकि हाँ अब सही हो, स्ट्रॉन्ग जैसा साउंड हो रहे हो, पर इतना भी नहीं, जी मूव मारा हमने और वाटर इम्पैक्ट पड़ा, मेरे हिसाब से मार देना चाहिए था, फिर भी ज़िंदा रह गया मोबाइल, तो एक प्लेयर ऑफ और डेड करते हैं, ये गया ख़त्म। आखिरी पोकेमॉन गेंगार, ऑब्वियसली वही बच्चा होगा ना, देखते हैं, ये आया गेंगार और ये गया गेंगार, तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।